बीते 18 महीनों से कोरोना की चुनौतियों के बाद भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के आंकड़े राहत देने वाले हैं। इस साल सरकारी स्कूलों में नामांकन का ग्राफ काफी बढ़ा है। सत्र 2020-21 में जहां सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 87 लाख थी, वो अब 90 लाख के पास पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बीच सरकारी स्कूलों में बढ़ता हुआ नामांकन शिक्षा विभाग के लिए राहत देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का बढ़ता हुआ ग्राफ और देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त राजस्थान का दूसरा स्थान कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का विश्वास जताने वाला नजर आ रहा है। सत्र 2020-2021 में जहां सरकारी स्कूलों में नामांकन 6,85,000 तक बढ़ा था, तो वहीं इस साल अब तक करीब 3 लाख नामांकन की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके साथ ही आने वाले समय में करीब 2 से 3 लाख नामांकन और बढ़ोतरी की उम्मीद शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा तो हमारे पास आ गया और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आंकड़ा और बढ़ेगा और ये 5 लाख के लगभग जाने वाला है। कोरोना के चलते प्रदेश के छोटे निजी स्कूलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ और शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश के करीब 7,000 से ज्यादा छोटे निजी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसके चलते करीब 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का रुख किया है। तो वहीं नौकरी जाने और छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद होने के चलते लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाया है, जिनका आंकड़ा करीब 1 लाख से पार दर्ज किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम हमने खोले तो हमने एक चैलेंज लिया कि 1 लाख रुपए फीस में प्राइवेट पढ़ाने वाला, अगर हम उससे हमारे बच्चे को हमारे इंग्लिश मीडियम में अच्छी एजुकेशन देंगे तभी जा करके हम अपने आप को सफल कह पाएंगे, तो ये चैलेंज हमने लिया है। बहरहाल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जहां पूरे साल प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी, तो वहीं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय है। लेकिन प्रवेश को लेकर पिछली 3 बार तिथियों में बढ़ोतरी की गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ऑनलाइन TC प्रक्रिया की नई कवायद के बाद प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक और बढ़ाई जा सकती है। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।